प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है जो नई गाड़ियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए फाइनेंस पर खरीद कर पुरानी गाड़ियों के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर उन्हें विभिन्न राज्यों में बेचने का काम किया करती थी। पुलिस ने अंतरराज्य गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए कीमत की 14 लग्जरी कार और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस गुड़वर्क को करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से 15,000 की नगद इनाम की घोषणा भी की गई है। इनको इस आधार पर हिरासत में लेते हुए जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि एक पूरा गिरोह ऑपरेट करता है। इस गिरोह में लगभग 8 से 10 लोग हैं और इनमें से इन लोगों का काम है कि जो लोग होते हैं उन लोगों से अलग अलग उनकी आईडीज कलेक्ट करना और उसके बाद में इनमें फर्जी फाइनेंस जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर पहले गाड़ियों पर फाइनेंस करवाना और फिर उसके बाद में जो गाड़ी शोरूम से निकाली जाती है उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो हैं उसमें फोर्जरी करते हुए अलग अलग राज्यों के आरटीओ से इनका रजिस्ट्रेशन करवा के और जो ग्राहक है उनको ये बेच देने के संबंध में इन्होंने अपने पूरे गिरोह का होना बताया। इसी आधार पर जो इनका बताया गया स्थान था वहाँ पे बरामद इनकी निशानदेही के आधार पर इसके अलावा और 13 गाड़ियाँ बरामद की गई तो इस प्रकार कुल 14